वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति शीज एंड आई एम प्रीति। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड उसके पास जो छोटा सा बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब मैं अपना नया वीडियो लाऊं तब उसे मिस ना करें। इससे पहले भी मैंने एक फ्लिपकार्ट हॉल बनाया था एंड आई हैव नोटिस्ड यू गाइज लव्ड इट द मोस्ट। सबसे ज्यादा व्यूज मुझे उस वीडियो में ही मिले थे। सो हियर आई एम विद अनदर वीडियो ऑफ फ्लिपकार्ट हॉल। सो इस वीडियो में मैं वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट आप लोगों को दिखाने वाली हूँ जो कि मैंने परचेज किया है फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड वो बहुत ज़्यादा प्राइसी नहीं है, अफोर्डेबल है। ऊपर से डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है लिए हैं मैंने, स्किन केयर, बॉडी केयर, शूज, ड्रेस, हेयर एक्सटेंशंस एंड डिओड्रेंट्स, लॉट्स ऑफ थिंग, एपिलेटर। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट जो चीज़ मैंने परचेज किया था वो था ये लेंस एंड मैंने बहुत सारे लेंस ट्राई किए हैं फ्रॉम फ्लिपकार्ट। सो इस बार मैंने ट्राई किया था एक ईयरली लेंस एंड मैं हार्डली से 6 मंथ यूज करने वाली हूँ बट आई लाइक दिस और मैं शूट में इसे यूज करती हूँ शूट्स वगैरह में। सो ये ऐसे दो बॉटल्स में सेपरेट आया था एंड इट्स फ्रॉम द ब्रांड कलर स्टाइल जो कि जिसका शेप था हनी, काइंड ऑफ हनी कलर था। मैंने हेजल ऑर्डर दिया था बट आई लव द हनी कलर, थैंक गॉड हेजल नहीं आया। हाँ कभी कभी कलर एक्सचेंज हो जाता है एंड प्रॉब्लम, अगर आपको वही कलर चाहिए तो कभी कभी डिफरेंट कलर आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है वो। एंड इसमें आया था एंड इसके साथ मुझे मिला था ये कंटेनर जिसमें आपको लेंस रखना है आफ्टर यूज एंड मिला था ये सोल्यूशन। मेक श्योर आप हमेशा सोल्यूशन वाला ही लेंस ले वरना आपको अलग से खरीदना होगा। तो पहले मैंने जो लेंस लिया था वो था फॉर वन टाइम यूज या फिर 1 मंथ यूज। सो उसमें क्या हुआ था, मैंने 2 लेंस ऑर्डर किए थे एंड उसमें सोल्यूशन नहीं आया था। सो मैं सोल्यूशन में नहीं रख पाई थी तो मैं सिर्फ एक ही बार उसे यूज कर पाई थी, इसीलिए मैंने और एक चीज ऑर्डर किया था जो कि है सोल्यूशन बॉटल। सो इसके 2 पैकेज मैंने ट्विंस बोलते हैं इसे, सो 2 थे इसमें। सो मुझे इसमें मल्टी सोल है इसका कंपनी का नाम। सो सोल्यूशन का बॉटल मिला है, मोर देन एनफ होता है ये। और यहाँ पे मुझे कवर भी मिला है, केस, लेंस के केस। सो मेरे पास अभी 2 है और 2 लेंस मतलब एनफ है सोल्यूशन। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है वो है निविया का वाइटनिंग सेंसिटिव डिओड्रेंट। सो ये मैंने रिसेंटली परचेज किया, इससे पहले मैं यूज़ करती थी, मैंने दिखाया होगा आपका नायका हॉल में, मैं सीक्रेट टेम्पटेशन यूज़ करती थी बट आई ट्राइड दिस वन क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यूज़ करते। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई दिस एंड आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दिस। मैं आप लोगों को तो स्मेल नहीं करा सकती बट एब्सोल्युटली बहुत फ्रेश है इसका जो परफ्यूम है, बहुत ज़्यादा फ्रेश है एंड मैं प्राइस साइड में देती रहूंगी। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है वो है एपिलेटर। सो मैंने एपिलेटर यूज किया है एंड मैंने फुल एक पूरा रिव्यू वीडियो बनाया इसके ऊपर, हाउ टू यूज इट एंड ये क्यों बेटर है वैक्सिंग एंड रेजर से। सो मैंने ये एंड क्रीम से, सो मैंने इसका रिव्यू दिया है एंड मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी मैं, आप लोग उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके ब्लेड्स हैं एंड मैं इसे यूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा इसीलिए हमेशा प्लग्ड इन रहते हैं एंड इसके साथ एक कैप आता है जो मैंने कहाँ रखा है याद नहीं क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती हूँ और ये आपको मिलेगा ब्रश इसे साफ करने के लिए। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है दैट्स फॉर माई यूट्यूब वीडियोज एंड ये है एक रिंग लाइट एंड बहुत लोग इसे टिकटॉक वगैरह बनाने में भी यूज करते हैं, दिस अमेजिंग। मैं मेकअप के लिए भी ऐसे भी जब मेकअप करती हूँ तब भी यूज करती हूँ। सो आप देख सकते हैं इसके 3 पावर्स हैं एंड क्वालिटी वाइज अच्छा है कम रेंज में एंड इसमें ये आता है जिसे आप चार्ज कर सकते हैं इसे क्योंकि यह चार्जेबल है, बैटरी से चलता है एंड आप इसे फोन में ऐसे इसके अंदर आप देख सकते हैं ये है, आप इसे फोन में ऐसे रख सकते हो। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है वो है ट्राइपॉड जिससे मैं अभी शूट करती हूँ अपने वीडियोस एंड जिसपे मेरा है अभी कैमरा एंड वो इसमें आता है इस बहुत अच्छी इसकी पैकेजिंग थी जब वो आया था, एकदम भी एकदम बबल रैप होके आया था,
आप देख सकते हैं इसके तीन सेक्शंस होते हैं एंड इसका जो प्राइस था बहुत ज़्यादा कम था, तो उस प्राइस रेंज में मुझे बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट जो है रिसीव हुआ है। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है उसके उस ब्रांड का मैंने दोनों प्रोडक्ट का रिव्यू मेरे इंस्टाग्राम में शेयर किया है, मैं उसके भी लिंक दे दूंगी, डिटेल्ड में रिव्यू दिया हुआ है, यू कैन चेक दैट आउट। सो फर्स्ट वन इज कुमकुमादी रेडियंस ग्लो नाइट सीरम फ्रॉम द ब्रांड ब्लू नेक्टर। It's one of my favorite brand and I have collaborated with their brand and I have felt like really this is amazing क्योंकि इसका price थोड़ा सा high है for जो लोग उतना affordable जो लोग affordable makeup use करते हैं या फिर skin care use करते हैं, but trust me this is amazing क्योंकि आप अगर use करोगे you can feel the change। एंड मैं इसे यूज़ करती हूँ हर रोज रात को क्योंकि ये नाइट सीरम है, इसमें ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ है एंड बहुत ही आपको फील होगा कि आपके स्किन में कुछ जा रहा है, मतलब आपका स्किन बेटर हो रहा है। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी ब्लू नेक्टर का है एंड वाला लक्षदी जैस्मिन विटामिन डी मसाज ऑयल। सो ये मसाज ऑयल है एंड जैस्मिन फ्लेवर का है दैट आई लव। और मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कितना स्मूथ है और बहुत ही जल्दी ये स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है, ये देखिए। एंड इट्स वेरी गुड फॉर आफ्टर रेजर या वैक्सिंग या मैं एपिलेटर के बाद इसे यूज करती हूँ, सो स्किन बहुत ही सॉफ्ट रहता है। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है वो है ये, ये है हेयर एक्सटेंशन। सो मैं काफी देर से इसे यूज करना चाहती थी, मुझे लंबे बालों का बहुत शौक है बट नहीं बढ़ते मेरे बाल और बहुत मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए लिया है एंड वैसे कोई मोटो नहीं था इसे लेने का। एंड ये रहा वो हेयर एक्सटेंशन एंड ये क्लिप ऑन होता है, डिफरेंट इसमें क्लिप्स लगे रहते हैं, आप देख सकते हैं 5 क्लिप्स है इसमें, इसे जस्ट आपको अपने हेयर में पुट ऑन करना है, ठीक से लगाना होगा इसे, आप देख सकते हैं कितने लंबे बाल हो जाएंगे आपके। सो ये एक एनफ नहीं होता है अगर आपके बाल मेरे तरह छोटे हैं, बट अगर आपके बाल लंबे हैं देन दिस वर्क्स रियली वेल। फिलहाल ये अभी मेरे ड्रॉयर में पड़ा रहता है एंड आई हैव वेस्टेड द मनी आई फील लाइक, क्योंकि मैं इसे यूज ही नहीं कर पाती हूँ अभी तक। एंड अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जो है हील्स, एंड ये बहुत ऊँचे हील्स तो नहीं है बट You love this and ये मैंने बहुत दिन पहले खरीदा था, आई मीन दुर्गा पूजा। सो इसमें आप देख सकते हैं इसमें हील है एंड इसको आप टाई कर सकते हैं ऐसे एंड दिस इज रियली अमेजिंग क्योंकि क्वालिटी वाइज अगर बोला जाए कि ये अफोर्डेबल है, कम रेंज का है बट क्वालिटी इसका रियली अमेजिंग है क्योंकि मैंने इसे पहना है एंड आई फील लाइक दैट क्या मतलब चीप नहीं लगता है बिल्कुल भी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये स्निकर्स एंड मैं इसे आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं इसे पहनती हूँ काइंड ऑफ हर रोज, सो मैं हाथ में नहीं ले सकती हूँ, बहुत गंदे हो चुके हैं। सो उसके भी क्वालिटी बहुत अच्छे हैं एंड मैं इसे आपको पता ही चल गया होगा ये सुन के कि मैं इसे रोज यूज करती हूँ एंड आई लव द वे इट्स, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे एंड यूनिक भी लगता है क्योंकि ज्यादातर लोग स्निकर्स व्हाइट और ब्लैक में पहनते हैं लेकिन इट्स स्काई ब्लू, सो आई लव दैट। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है कुर्ती एंड यू विल लव इट क्योंकि ये व्हाइट कलर का है एंड द मटीरियल द अपीयरेंस एवरीथिंग इज ऑसम, द वर्क एवरीथिंग, आप इसका डिजाइन दे सकते हैं एंड ये कितना कंफर्टेबल है एंड कितना अच्छा लगता है पहनने के बाद, मैं इसका पिक्चर जरूर दूंगी एंड रियली अमेजिंग। फ्लिपकार्ट में मैंने पहले भी शॉपिंग किए थे लाइक ड्रेसेस एंड ऑल, लाइक उनके क्वालिटीज उतने अच्छे नहीं थे बट दिखने में अच्छा लगता है, बट ये दिखने में भी अच्छा है एंड पहनकर भी कंफर्टेबल है। नेक्स्ट जो कुर्ती मैंने खरीदा है ये येल्लो कलर में है एंड लाइक दिस, इसमें बटन्स अप है एंड लॉन्ग कुर्ता है, दोनों ही लॉन्ग कुर्ती है। इसके हाथ में आप देख सकते हैं ये फ्लेयर्ड जो इसका है 3/4 फ्लेयर्ड है एंड ए लाइन कुर्ती बोलते हैं इसे। कलर आप देख सकते हैं थोड़ा ऑकर कलर है एंड इट
बट इट एब्सोल्युटली सूट्स माई स्किन एंड इसके भी पिक्चर मैं दे दूंगी. ये थे सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने खरीदे हैं फ्लिपकार्ट से एंड आई फील लाइक इट्स नॉट वेस्ट एट ऑल एक प्रोडक्ट को छोड़ के. सो अगर आपको खरीदना है ये सारे प्रोडक्ट आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड अगर आपको कुछ भी सजेशन देना है ऑन द प्रोडक्ट्स यू कैन गिव. और मैंने इससे पहले जो फ्लिपकार्ट का हॉल बनाया था उसमें मैंने एक नेकेड का ब्रश आप लोग के साथ शेयर किया था जो कि मैंने 600 के आसपास रुपीस में ख़रीदा था. सो बहुत लोग बोल रहे थे मुझे कि ये प्रोडक्ट आप लोगों को 100-200 में भी मिले थे एंड मिलता है. एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैंने मेरे फ्रेंड्स ने भी खरीदा है एक से जो 100-200 का होता है. सो आई हैव कंपेयर्ड द प्रोडक्ट्स एंड द क्वालिटी बहुत डिफरेंट होता है. मैंने जो नेकेड का ब्रश खरीदा था उसका क्वालिटी एंड 100-200 का जो क्वालिटी होता है बहुत डिफरेंट है. मैं आज तक यूज़ करती हूँ एंड बहुत दिनों से मैं यूज़ कर रही हूँ. आई हैव नेवर फेल्ड एनी फॉल ऑफ और बहुत ही टेक्सचर उसका अच्छा है और उस प्रोडक्ट्स में बहुत फॉलोअप्स होते हैं एंड उतनी अच्छी तरीके से ब्लेंड नहीं होता है. सो आपको लगता होगा आई हैव वेस्टेड द मनी बट आई डोंट थिंक आई हैव वेस्टेड. आई थिंक आई हैव इन्वेस्टेड. सो यही बोलना था क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे उस प्रोडक्ट को लेकर. सो आपको कुछ भी बोलना है यू कैन श्योरली कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. लव यू ऑल.